सांसद और झोटवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सनातन धर्म के विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। न्यूज 18 के एक कार्यक्रम के दौरान राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को कांग्रेस का मौन समर्थन है। उन्होंने कहा कि नए भारत में सनातन और मजबूत हुआ है। देश में एक ट्रेंड आया है, वो ट्रेंड है सनातन को गाली देने का। तो क्या आपको लगता है कि इन सबके गाली देने से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है बहुत ही गलत ये स्टेटमेंट्स है, और मुझे अचंभा इस बात से होता है कि इनकी जो इंडी अलायंस के जो लीडर्स हैं वो उन्हें मना क्यों नहीं करते, उससे उनको ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारी हमारी इस विचारधारा से, सोच से अलग है। वो ऐसा नहीं कहते, इसका मतलब उसके अंदर शामिल है उनकी सोच। और इतनी सदियां बीत गई, सनातन धर्म इतने आक्रामक आए, अंग्रेज आए, उसके बावजूद भी सनातन धर्म और मजबूत हुआ है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नए भारत के अंदर, मोदी के भारत के अंदर सनातन धर्म खत्म हो जाए, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। और मुझे लगता है जनता इस बात का पूरी तरह से जवाब देगी 2023 के चुनाव में। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दे। लंबा होता जा रहा कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार, कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज सामने आया है। बीजेपी ने ट्वीट करके तंज कसा है। कांग्रेस की सूची पर तंज कसते हुए लिखा, मेरे कहने पर नहीं तेरे कहने पर ही सही, आए कहीं से लेकिन अब लिस्ट आनी चाहिए। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली थी, आने वाली है और आने वाली हो सकती है। तो देखिए, कांग्रेस ने अभी पहली सूची जारी नहीं की है और इसी को लेकर के अब बीजेपी ने तंज कसा है और लिखा है कि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है और लगातार अब देखिए लंबा इंतजार होता जा रहा है। और बीजेपी की लिस्ट देखिए आ चुकी है और अभी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है और इसी को लेकर के बीजेपी ने ट्वीट करके ये तंज कसा है, मेरे कहने पर नहीं तेरे कहने पर ही सही, आए कहीं से लेकिन अब लिस्ट आनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए कांग्रेस की अभी पहले लिस्ट आई नहीं है और इंतजार और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, इसी को लेकर के अब बीजेपी ने तंज कसते हुए लिखा है कि अभी लिस्ट आई नहीं है और पता नहीं कब आएगी, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के मूवमेंट पर नजर रखती हैं और उसी के हिसाब से अपने कदम और रणनीतियां भी बनाती हैं। और अब चूंकि लगातार ये कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर कवायद जो है वो पूरी कर ली, अब सिर्फ नामों की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संभवतः कांग्रेस की लिस्ट के बाद बीजेपी जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी करे। यही कारण है कि संभवतः बीजेपी ने ये ट्वीट किया है कि जो लिस्ट है कांग्रेस की उसका इंतजार लंबा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस की लिस्ट आए और उसके तुरंत बाद वो अपनी लिस्ट जारी कर दे। तो ये एक दूसरे को लेकर एक कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस काफी समय से कह रही थी कि पहले हम टिकटों की घोषणा जो है वो करेंगे, लेकिन उनकी लिस्ट लगातार लंबा इंतजार जो है वो लगातार होता जा रहा था। और ऐसे में इस बीच बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी भी कर चुकी है। तो एक दूसरे को कह सकते हैं कि एक दूसरे को घेरने की कोशिश जो है वो लिस्टों के जरिए हो रहा है। लेकिन तमाम, चाहे बात कांग्रेस के नेताओं की हो या फिर बीजेपी के नेताओं की हो, सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है कि आखिर कब जो है वो दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट के आने के तुरंत बाद बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर ये भी देखने को मिला है और अभी तक कांग्रेस ने पहली सूची जारी नहीं की है। लेकिन सौरभ, अभी ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि शायद आज कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दे। देखिए उम्मीद तो यही की जा रही है, उम्मीद, क्योंकि जिस दिन से कांग्रेस सीईसी की बैठक जो है वो हुई है और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि अब आए लिस्ट, इसी प्रकार की बातचीत जो है वो हो रही है। इस दौरान सीएम गहलोत ने भी कुछ प्रत्याशियों का को लेकर संकेत जो है वो
दे दिए हैं, यानी अंदर खाने। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।